कुछ क्राफ्ट्स नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं ठाकुर जी को अपने गोविंद गौधाम में दर्शन के लिए लेकर आई हूँ, तो चलिए हम दर्शन करते हैं ठाकुर जी के साथ में। लेट्स मूव ऑन। बोल दो कुछ। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हम ब्लॉगिंग के लिए दर्शन के लिए आए हैं अपने ठाकुर जी को साथ में लेकर। गोविंद गौधाम बहुत ही सुंदर, देखो रौनक लग रही है। आज संडे का दिन है, इतवार का दिन है, तो सभी दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ संकीर्तन होता है, बहुत मधुर ही संकीर्तन होगा जिसके आप गान सुन सकोगे, आप उनका आनंद ले सकोगे इस मधुर वाणी का। तो ठाकुर जी मेरे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। ठाकुर जी राधे राधे। तो जिनको भी ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़, ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे राधे राधे कौन बोलेगा, तो कमेंट में प्लीज़ गाइज राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं आगे की ओर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो अब हम मुख्य द्वार की ओर चल रहे हैं। आपको संकीर्तन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी फ्रेंड्स, खूब आनंद लीजिए संकीर्तन का। तो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, ठाकुर जी की पालकी चल रही है, उनके दर्शन कर सकते हैं आप। जुगल जोड़ी सरकार की पालकी लाल की जय, जुगली सरकार की जय। श्री राधे श्याम, अद्भुत दर्शन बिहारी जी राधिका रानी श्री राधे। जुगल जोड़ी सरकार की जय। लोगों माता की जय। तो हम गौशाला पहुंच चुके हैं गोविंद गौधाम की। तो ये मेरा नटखट जो लड्डू है ना, ये पीछे आप उसकी आवाज सुन रहे हो, इसको बहुत जल्दी है जाने की। श्री राधे श्री राधे। आगे की तरफ गौ माता के दर्शन करवाएंगे हम आपको। प्रेरणा गौ है जिनकी प्रेरणा से ये गौधाम की स्थापना की गई यहाँ पर, तो आप इनके दर्शन करेंगे। बोलो गौ माता की जय। Oh.
ये गौशाला का परिक्रमा मार्ग है यहाँ पर। आप यहाँ पर जब भी गौशाला आओ तो ये ज़रूरी है कि आप परिक्रमा मार्ग ज़रूर होते हुए जाइए, तो इसका महत्व, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, राधे राधे कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ।